युगल मैच भारत और उज़्बेकिस्तान के मध्य। भारत ये श्रृंखला में 2-0 से पहले ही बढ़त प्राप्त कर चुका है। टॉस, कप्तान महेश भूपति आप नज़र आ रहे हैं भारत के लिए, रोहन बोपन्ना और श्रीराम बालाजी। श्रीराम बालाजी का डेब्यू है आज यहाँ और वह 72वें ऐसे खिलाड़ी हो जाएंगे जो डेविस कप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। दूसरी तरफ फरुख दोस्तोव उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी से 10 खिलाड़ी, भारतीय जोड़ी ने ये टॉस जीता है। नमस्कार, मैं अहमद रईस सिद्दीकी। भारत और उज़्बेकिस्तान के साथ जो है शुरू होने जा रहा है मैच डेविस कप का। डबल्स के तहत रबर नंबर 3 श्रीराम बालाजी और रोहन बोपन्ना जो है भारत की तरफ से डबल्स में खेलेंगे, जबकि फर्रुख दोस्तोव और संजर फैजीव जो कि कल सिंगल्स में भी खेले थे, पर फैजीव काफ़ी उनको इंजरी भी थी, खेल नहीं पा रहे थे। देखना है कि आज वो क्या कर पाएंगे। दिस इज श्रीराम बालाजी इज डेब्यू, द फर्स्ट टाइम दैट ही विल बी प्लेइंग फॉर इंडिया। दिस इज डेब्यू, that's Rohan Bopanna, a very very accomplished doubles player. This is the Uzbekistan combination, closer to camera of course is Sanjar Faiziev. He's a very tall player, very young, which is just a stone's throw away from the stadium despite that very good crowd. Serving will be Rohan Bopanna. Bharat ke Rohan Bopanna jo hain pehli set ke andar service karne ke liye taiyar. Pehli service fall out. रोहन बोपन्ना 37 वर्षीय तजर्बेकार खिलाड़ी, इनकी रैंकिंग जो है डबल्स में 24 है और ये अच्छी सर्विस पॉइंट बाहर गया इनसे और ये पॉइंट मिला भारत को 15-0 15 love। रोहन बोपन्ना अपनी अच्छी हाइट की वजह से और एक्सपीरियंस से अच्छी सर्विस करते हैं, काफ़ी उसकी स्पीड भी तेज़ होती है और एडवांटेज है उनको। एक और बेहतरीन सर्विस, ये सर्विस रोहन बोपन्ना की, मैं समझता हूँ कि इसी तरीके से अगर उन्होंने ये सर्विस करी, आप देख सकते हैं बेहतरीन सर्विस ऑन द टी के ऊपर मार के ये पॉइंट लिया उन्होंने। 30-0 30 love। सेट वन रबर नंबर 3, पहली सर्विस फॉल्ट रोहन बोपन्ना की, पहली सर्विस नेट के अंदर फॉल्ट रोहन बोपन्ना की। सर्विस करने के लिए तैयार 30-0 पर, बेहतरीन सर्विस, बहुत ही इसके अंदर पावर थी, स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी, 200 किलोमीटर बेहतरीन और गेम पॉइंट आप देख सकते हैं। बैकहैंड से उठाने में असफल खिलाड़ी उज़्बेकिस्तान के, गेम पॉइंट 40 love 40-0 सेट नंबर 1 रबर नंबर 3 पहली सर्विस फॉल। मैं समझता हूँ कि रोहन बोपन्ना काफ़ी तजुर्बेकार खिलाड़ी हैं, 37 साल उनकी आयु है और बहुत ही बढ़िया डबल्स के अंदर वो खेलते हैं और ये सर्विस दूसरी उनकी फॉल्ट और बेहतरीन उनकी स्पीड है सर्विस की और ये सर्विस बाहर थी थोड़ी सी और 40-15 40-15 अभी भी उनको उनके हाथ में सर्विस है। मैं समझता हूँ कि ये पॉइंट लेने में कामयाब रहेंगे। बेहतरीन पॉइंट, लेकिन नेट पर आके जो है बालाजी ने बहुत ही आसानी से पॉइंट लिया और पहला गेम भारत को बढ़ा 1-0 की। देखिए बेहतरीन नेट पर आकर बैकहैंड रिटर्न किया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तेजी से आए और नए उभरते हुए खिलाड़ी डेब्यू कर रहे हैं डबल्स के अंदर, उन्होंने ये पॉइंट लिया 1-0 की बढ़त, बेहतरीन लीड मैं कहूंगा। ब्यूटीफुल पॉइंट, ब्यूटीफुल गुड स्टार्ट फॉर द इंडियन पेयर एक्चुअली एंड स्पेशली श्रीराम बालाजी, ही इज मेकिंग हिज डेब्यू इन अ डेविस कप टाई, ही नीड्स टू सेटल नर्व्स वेरी क्विकली। वेरी कैपेबल प्लेयर ऑफ कोर्स इज रोहन बोपन्ना whom you see on your screen, a very experienced player, 37 years of age, one of the finest doubles players in the world. He's done tremendous service for India and of course they are playing against this Uzbek pair. Serving is of course Dostov, their most experienced player, 32-year-old, he's a huge tall player. Very crucial game this is for Uzbekistan, not so much for India. That's a replay of that. Good intercept at the net. Uzbekistan has to win this match if they have to stay in this tie. So very big match this is for them. Not so important for India. Of course, it is important to win. But India have already got a 2-0 lead in this tie. So they're sitting pretty actually. Lovely interception. Lovely interception at the net. There, that's a lovely interception. Good volley put away for a winner.
This is classical doubles, huge serve, and the partner at the net intercepting the weak return and finishing it off. This serve. Disturb serving to Sriram Balaji, the debutant. First serve is fault. Lovely high kicking serve there. Virtually walking into that is Sriram. Sriram moving to receive and well directed virtually onto his body. Lovely serve. So Dustav showing that he is going to be a tough nut to crack here, at least in these initial games. Serving deep, serving well. One game all. एक एक गेम की बराबरी और तीसरे गेम के अंदर बेहतरीन सर्विस एन श्री राम बालाजी जो कि पहली बार जो है डिविस के अंदर डबल्स में खेल रहे हैं आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा उन्होंने ये सर्विस करके पॉइंट लिया 15-0 पहली सर्विस फॉल्ट नेट पर लगे श्री राम बालाजी की एक एक गेम की बराबरी सेट नंबर वन रबर नंबर थ्री बेहतरीन पॉइंट अच्छी सर्विस थी बैकहैंड को लेकर पॉइंट लिया और 30-0 बैकहैंड से उठाना चाहते थे उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी लेकिन वो बिल्कुल बॉल जो थी नीचे रह गई और पॉइंट गवाया और पॉइंट मिला भारत को एन श्री राम बालाजी 27 वर्षीय खिलाड़ी पहली बार डेविस कप में खेल रहे हैं पहली सर्विस नेट में फॉल्ट डबल्स का मैच जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत ही क्रूशल होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है अगर भारत ये मैच जीतती है तो क्लीन स्वीप हो जाएगा 3-0 से जीत जाएगी भारत ये डेविस कप टाई बेहतरीन सर्विस थी लेकिन उतना ही अच्छा रिटर्न लैंड के ऊपर आके खेलना चाहते थे बोवन्ना लेकिन बॉल बाहर गई और पॉइंट गवाया उन्होंने देखिए अच्छी सर्विस थी और अच्छा रिटर्न था नेट पे आके थोड़ा सा मिसजजमेंट हुआ मिसकैलकुलेशन हुआ रोहन बोवन्ना से जबकि वो पहले से आके पोजीशन ले चुके थे 30-15 पहली सर्विस फॉल्ट एंड श्रीराम बालाजी बहुत अच्छी सर्विस बहुत अच्छी तेज बॉल 146 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी इसकी और ये बेहतरीन सर्विस बॉल बाहर गई है अपोनेंट से इनके उठानी पाई बेहतरीन पॉइंट लिया उन्होंने बेहतरीन 40-15 पहली सर्विस फॉल्ट ये काफी तेज सर्विस थी 217 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड थी लेकिन बॉल जो है वो बाहर गई टी से दूसरी सर्विस के लिए तैयार 40-15 बेहतरीन सर्विस स्पिन सर्विस समझ में नहीं आई उनके अपोनेंट के बिल्कुल क्योंकि बॉल गड्ढा खा के बिल्कुल टर्न हो गई लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं इनके समझ में नहीं आया उनके अपोनेंट के ही वाज नॉट एबल टू रिटर्न दिस बॉल और ये गेम बहुत आसानी से जीता और भारत को 2-1 की बढ़त 22-23 फ्रॉम वेयर दे कैन ओनली इंप्रूव ट्रेमेंडस एंड द फैक्ट दैट दे वन टू सिंगल्स इन द ओपनिंग डे शोस दैट दिस इज अ टीम विद सम पोटेंशियल एंड टुडेस डबल्स वन मोर यंगस्टर इज बीइंग ब्लडेड दैट इज श्रीराम बालाजी Always difficult to volley from midcourt, and that's exactly what Sanier found out. Came in on his serve, but not quick enough to be at the top of the net, and volleyed into the net. Love 15. Again, another deep serve, weak return, and finished off. Easily finished off that. Both the Uzbek players, this is Sriram Balaji there on your screen. Both the Uzbek players, very tall. Dustav is at the net, Sanjay serving. Good deep serve, first serve. They just kissed the top of the net. Rohan Bopanna. Still on first serve. Sanjay trailing 1-2 in this the first set of the doubles games have gone with serve
Oh, the second mistake really that Sanjar is making. Once again, not quick enough to go to the top of the net. As you can see, there is not quick enough to go to the top of the net. Trying to volley from midcourt, and always a tough proposition. And they are facing a break point. Two break points. Sorry, pardon, 15-30 that is. First serve is fault. Second serve. Tall lad, Sanjar. There's a lot of movement behind Sanjar, and it's surprising because the guys who are actually moving are former tennis players. Oh, that's a lovely finish. Lovely finish from Dostal. Right on top of the net. Weak return. And finishes it off in style. 30 all. Game's going with serve this far. All the other players have held serve. This is Sanjar serving. And 30 all. Good work there by Shriram Balaji. Comes to the net and comes away with a lovely volley there. Well directed volley, more than powerful. It's a very well directed volley. And they have a break point here. Can they make it count? Very difficult to break serves in these doubles games. Oh, looks like they have done it. That's a very, very crucial break. It says a lot. Very well done. Very well done by the Indian pair. They have broken there so early in the match. And the person they have broken is Sanjar Faizev. Faizev, the singles player who lost yesterday. And that's a very crucial break to run up a 3-1 lead. Riaz, Siddiqui. बिल्कुल सही कहा, बहुत ही बेहतरीन सर्विस आप देखिए ये थी, और बहुत सर्विस ब्रेक करके पॉइंट लिया उन्होंने, और 3-1 की बढ़त, जैसा कि आशा की जा रही थी पहले से ही कि रोहन बोपन्ना के साथ जो है ये पहली बार खेल रहे हैं, एंड श्रीराम बालाजी उनका डेब्यू है, ये पहला चांस है डेविस कप में, अच्छा ही खेल के प्रदर्शन दिखाएंगे। सर्विस के लिए तैयार रोहन, बेहतरीन वेल लेफ्ट, प्रशंसा करनी होगी बालाजी की, उन्होंने जो है बिल्कुल वेल लेफ्ट किया, बॉल को बाहर जाने दिया क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी थी, 209 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी सर्विस की, बेहतरीन सर्विस, बहुत ही अच्छा अंडरस्टैंडिंग दोनों के दरमियान, भारत के खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और बालाजी, पहली सर्विस बाहर, बेहतरीन नेट को बना के पहले से उन्होंने शॉट मार के पॉइंट लिया फोर हैंड से, क्या अच्छी अंडरस्टैंडिंग है दोनों के दरमियान, जबकि पहली बार खेल रहे हैं बालाजी, आप देखिए नेट के ऊपर आके बहुत ही पहले से पोजीशन ले ली थी, अच्छी हाइट है उनकी, उभरते हुए खिलाड़ी, पहली बार डेविस कप में खेल रहे हैं, पॉइंट लिया रोहन बोपन्ना की, अच्छी सर्विस हुई है कि बेहतरीन, बीच में जगह थी दोनों खिलाड़ियों के, वहीं पे बॉल को मार के पॉइंट लिया, जबकि 3-1 की बढ़त ले चुके हैं पहले सेट के अंदर, सर्विस करने के लिए तैयार, पहली सर्विस नेट, 167 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी सर्विस की, ज़्यादा तेज़ नहीं थी, लेकिन दूसरी सर्विस की तैयार, 30 love, और ये बेहतरीन सर्विस, एज सर्विस, एक और एज सर्विस, 164 किलोमीटर पर आवर स्पीड, और गेम पॉइंट, मैं समझता हूँ कि अगर ये गेम लेते हैं तो भारत को बहुत अच्छी 4-1 की बढ़त हो जाएगी पहले ही सेट के अंदर, रबर नंबर 3, यही अगर रिदम उनका बना रहा और यही स्पीड बनी रही तो मैं समझता हूँ आसानी से ये सेट और गेम भी जीत सकते हैं, 40-0 के ऊपर सर्विस करने की तैयार, पहली सर्विस बाहर, जबकि बहुत तेज स्पीड थी, 206 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी सर्विस की, दूसरी सर्विस के लिए तैयार रोहन बोपन्ना, बेहतरीन शॉट, कैलकुलेटेड शॉट, वेरी गुड एंटिसिपेशन, बेहतरीन पहले से नेट के ऊपर आ गए थे बोपन्ना, और 4-1 की बढ़त, भारत को बेहतरीन डबल्स का प्रदर्शन दिखाते हुए भारत की टीम, उज्बेकिस्तान इन ट्रबल, उज्बेकिस्तान, दे हैव लॉस्ट बोथ द सिंगल्स मैचेस यस्टरडे एंड इन द डबल्स दे आर ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी वन सर्विस गेम डाउन, दुस्तव सर्विंग, looks like Sanjar is the weak point in this doubles combination that
Uzbekistan has got, because he's the one who is making those errors. Yes, Srinath, always a pleasure to welcome our Davis Cup star, former Davis Cup star Faraz Srinath to our commentary box. He'll be giving you the commentary in a very short time from now. The Indian team, of course, is a breakup, and a breakup in tennis, in doubles tennis, means a lot, especially when you have somebody like Bopanna playing here. Bopanna is a big server and also the one of the most experienced doubles players on this court. Balaji, Sriram Balaji, of course, the youngster. And Uzbekistan, very crucial tie for Uzbekistan. They need to win this to stay in this tie. They need to win this match to stay in this tie. And they lost both the singles yesterday. And so this doubles is very, very crucial to them. If India wins this doubles, then okay, it becomes a dead rubber. बिल्कुल सही कहा आपने वैदम, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है उज़्बेकिस्तान के लिए. अगर ये रबर जीतते हैं तो मैच आगे रहेगा. ये भी अगर सर्विस ब्रेक कर लेंगे तो फिर तो बहुत बेहतरीन बैट के द्वारा उन्होंने रिटर्न किया था और ये पॉइंट लिया रोहन बोपन्ना का. अच्छा रिटर्न, बैक हैंड रिटर्न 30 ऑल, 30-30 की बराबरी, जबकि भारत 4-1 की बढ़त ले चुका है. 4-1 की लीड है पहले सेट में. और एक और पॉइंट बेहतरीन, कॉन्फिडेंट बहुत ही बढ़िया प्रशंसा करने, और रोहन बोपन्ना अपने खिलाड़ी के जो है हिम्मत अफजाई करते हुए उनको इंकरेज करते हुए बेहतरीन शॉट, बहुत ही अच्छा लेफ्ट आउट, बहुत ही बढ़िया जजमेंट. एंड श्रीराम बालाजी की प्रशंसा करनी होगी. और एक और ब्रेक पॉइंट भारत के लिए, 30-0 के ऊपर सर्विस करने के लिए तैयार उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी. बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है भारत के लिए ये, अगर ये ब्रेक करते हैं तो 5-1 की बढ़त हो जाएगी, फिर सेटों के हाथ में होगा तकरीबन. बहुत अच्छी सर्विस थी, 199 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी. और ये पॉइंट का लास्ट स्कोर, ड्यूस नंबर 1 इस गेम का, पहला ड्यूस. अभी भी कुछ नहीं कह सकते. ये देखिए बहुत ही अच्छी तेज स्पीड थी बॉल की. इट हैपेंस इन द गेम, नो प्रॉब्लम. सर्विस करने के लिए तैयार ड्यूस. नो, ही प्लेड लाइक ए बैडमिंटन शॉट. इट वाज शॉट एडवांटेज टू उज़्बेकिस्तान. यू कैन सी ही केम ऑन द नेट एंड ए ट्राई टू प्ले जस्ट फ्लिक शॉट, वी कैन से इन बैडमिंटन और टेबल टेनिस, बट इट वाज जस्ट आउट. एडवांटेज टू उज़्बेकिस्तान. इंडिया इज ऑलरेडी लीडिंग 4-1 इन सेट नंबर 1. एडवांटेज टू उज़्बेकिस्तान. सर्विस करने के लिए तैयार उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी, समय लेते हुए थोड़ा सा. अच्छा शॉट, बहुत ही दिखा नेट के ऊपर, पहले से पोजीशन उड़ ली थी और ये इस प्रकार से आसानी से पॉइंट लिया. और 4-2 की बढ़त अभी भी भारत को, आप देख सकते हैं नेट के ऊपर आ गए थे और डिस्प्लेस किया उन्होंने रोहन बोपन्ना को. आसान सा उनके पास जो था शॉट था, ओवर हेड मार के पॉइंट लिया. अभी भी भारत को 4-2 की बढ़त. वैदम, yeah, good so far that the Indian combination has really broken Sanjay pretty early in the match, and because I think he seems to be the weak point as far as the Uzbekistan team is concerned. Balaji, Sriram Balaji, the debutant, his second service game actually this is. Balaji is a typical doubles player, big serve, and his second serve is a good, nice, high-kicking one, a lot of spin in it, as we saw on that occasion. 22-year-old player from Coimbatore, Balaji is. Wonderful service again, beautiful service. Nice thing about Balaji is taking his time, he's not hurried, he's not rushed about it, and with somebody like Bopanna there at the net, see, that's Bopanna at the net, beautifully intercepts the shot and comes with a lovely volley. So it makes Balaji's task all the easier with somebody like Bopanna ready there at the net to intercept.
Oh, good one again. Good volley by Bopanna there. And once again, Balaji holding serve so easily. There, Bopanna with his drop volley. Tremendous work done by Bopanna at the net. Very experienced player that he is. And there, Balaji. Deep serve. We see the replay of Balaji's. Sanjay serving. It's a tall young lad, and that's a double fault. He's really been struggling, hasn't he? His volleying really has not been up to the mark. And here, just when he needs to put his deep serve in, he's actually double faulted at a very crucial time. He needs to hold serve for them to stay in this set. Long, very long for serve. The Indians actually concentrating more on Sanjay. They are trying to get him to play. Dustav not sharp enough at the net to intercept those. But, I guess doubles is not easy. You need to have a good team and a lot of teamwork, knowing when to intercept and when to let it go to your partner. But at least on that occasion, worked well for Uzbekistan. They got that point, but it never should have lasted that long. Fifteen all, second serve. Sanjay Faizev. That return is long. Sanjay has to hold serve if they need to stay in this first set. 2-5 down in this the first set. Sanjay's first serve is buried into the net. The second one. Lovely forehand down the line shot. Virtually split the opposition. That was Sriram on that case. Virtually split the opposition right in between in the gully. 30 all. Uzbekistan needs to hold this serve. Oh, that looks out. Is it called out? Yes, called out. Lucky break there, Deuce. Sanjay didn't have a very good day yesterday, losing the singles, and now in the doubles in this Uzbekistan team, he is the person under pressure. He dropped his earlier service game, and this time too doesn't look very comfortable for him, and it's advantage India. Break point, set point for India. Advantage India, break point, set point for India. Very, very big serve for Sanjay. Oh, lovely shot. Beautiful shot from out of the court by Rohan Bopanna. Lovely forehand cross-court shot, as you will see that. Lovely forehand cross-court shot, virtually splitting the two. Sanjay not sharp enough to intercept at the net. And the first set goes to India. Two breaks, both the breaks on Sanjay's serve. So India takes the first set by 6-2.
Yeah, wonderful. Highlights. These are the highlights of this last set, doubles match. भारत के लिए ये बहुत ही क्रूशल था. ये देखिए अच्छी सर्विस वगन जो खिलाड़ी उठाने में असफल उज़्बेकिस्तान के. मैं कहूँगा कि बेहतरीन सर्विस बोपन्ना की, जितनी तारीफ की जाए कम है. नेट के ऊपर आके कितना बेहतरीन बैकहेंड रिटर्न था और ये मारना चाहते थे नेट के ऊपर, लेकिन बोपन्ना वाज देयर अवेलेबल, अदर फेलोज वर ऑल्सो देयर. बहुत ही बेहतरीन सर्विस, बेहद ही ये थोड़ा सा कोशिश करने में असफल रहे बालाजी. ये देखिए बैकहेंड से रिटर्न करना चाहते थे लेकिन बॉल जो है रैकेट के ऊपर नहीं लग पाई. एक और अच्छा पॉइंट लिया है भारत ने. अच्छी सर्विस, नेट के ऊपर पहले से मौजूद थे लेकिन बॉल बाहर गई. एक और अच्छी सर्विस, बैकहेंड रिटर्न बाहर उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी का. बेहतरीन सर्विस, बैकहेंड रिटर्न बाहर. आप देखेंगे ज़्यादातर सर्विसेज जो भारत के खिलाड़ियों ने किए हैं उसकी स्पीड तेज़ है. ये नेट के ऊपर आके लेना चाहते थे लेकिन पॉइंट बाहर गई. राकेश, व्हाट विल यू से अबाउट द ऑर्डर? आई थिंक दे हैव मेड ए क्लीन स्वीप. देखिए अपने खुशी का इजहार करते हुए. जितनी तारीफ की जाए वो कम है. कुल मिलाकर जिस प्रकार से भारतीय जोड़ी खेली है और दोनों, विशेषकर जो यहाँ पर दोनों खिलाड़ियों ने, भारतीय खिलाड़ियों ने उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ियों की सर्विस के ऊपर प्रेशर बनाया है. शुरू से पहले सेट से उन्होंने कहीं भी फाइजेव को और दोस्तों को सेटल नहीं होने दिया और जहाँ भी उनकी तेज सर्विस रही, इस प्रकार की गति की सर्विस पे जिस प्रकार से डिपिंग शॉट्स डाले हैं और शू स्ट्रिंग्स वॉली लगाने के लिए उन्होंने मजबूर किया है. कोई मौका नहीं था यहाँ पर. ये देखिएगा ओवरहेड था स्टॉप का. दैट्स द रीप्ले ऑफ दैट विनिंग शॉट. लवली स्प्लिटिंग. सॉलिड फर्स्ट सेट देयर फ्रॉम द इंडियंस. बेहतरीन पॉइंट, 15-15 की बराबरी. प्रशंसा करनी जबकि भारत पहला में. इस प्रकार पहला सेट भारत की गिरफ्त में. They were well and truly in control of the first set there. Rakesh played a very solid first set. The Uzbekistan had no chance in that set. You know, the big serve from Rohan there to consolidate in the second set and put some pressure on those Uzbekistanis. Another easy hold there for Rohan to put India ahead in the set. Rakesh, from whatever little that we saw in the first set, they didn't seem too comfortable together, playing together, Dustov and Sanjeev. It almost looked like many a times the ball was going right past Dustov. He was not looking for it and he was happy just sitting back and waiting. I don't think you can play doubles like that. Oh, certainly, because I think the important point was at the start of the match that who out of Sanjeev and Balaji, who cracked first? And it was Sanjay who actually lost his serves, and from there on he lost his heart. There again, a great point there from both the teams. Rohan did very well to get that ball back, and rightly so. Balaji trying to cut off the angle. It's been for Libet, it was a difficult decision, but also quite courageous too. From what happened to Faizev yesterday with that condition of erythema, I think it was very courageous for him to have played Faizev today. Absolutely. I'm sure they did not have too many options, so they had to play him in this match. Yeah, and that Visheshkar, jo volley aapne dekhi, aur yahan par dekhiyega,
जो वॉली थी बाहर थी ड्राइव, और यहाँ पे फरुख दोस्तों भी 6 महीने बाद यहाँ खेल रहे हैं. लास्ट टाइम ही प्लेड वॉज अगेंस्ट दैट वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ टाई अगेंस्ट स्विट्जरलैंड. आई थिंक स्लाइट रस्टिक ही इज एंड इज नॉट गेटिंग दैट काइंड ऑफ सपोर्ट ही वुड हैव गॉट फ्रॉम इस्तोमिन. Definitely, it's not easy to come back and play after such a long layoff. It's going to be hard, especially such a big match and an important tie with the backs against the wall down 2-0, an all important match. He's finding it difficult. And also particularly, you know, Bopanna is now become quite used to playing the deuce court. I think this year he's playing with Cuevas, and Cuevas has a very big backhand, so he's more comfortable playing from the backhand side, and Rohan's decided he would play from the forehand. Actually, I think it would work pretty well, especially if he makes the first ball in. He can run around that ball and play a lot of forehands. It would definitely help him. That was a good solid point, big first serve, and a good point from the Uzbekistanis there. डू मच बोपन्ना कुछ कर नहीं सकते थे. काफ़ी आसान सा शॉट था यहाँ पे. देखिएगा किसी तरह की गेंद को खेल में बनाए रखा और यहाँ पूरा काम मौका मिला था. अपनी हाइट का पूरा फ़ायदा उठाते हुए निगाहें स्थिर रखी, अंक जीता. That's just a tremendous return from Rohan, just using the angle and just redirecting the ball. Superb return from Rohan. Great footwork there. अभी भी एक game point Dostov के पास है. Farukh Dostov अपने जीवन काल के 50वां Davis Cup match खेल रहे हैं. Speed, I think big serves are definitely, for big servers this court is definitely helping them. Certainly Balaji ka aatmvishwas kafi uncha utha hai, visheshkar pehle set ko jeetne ke baad. Debutant Balaji jo Bharat ki taraf se 72vein aise khiladi ho gaye hain jo ki Davis Cup mein apne desh ka pratinidhitva kar rahe hain. And also both the debutants have been pretty impressive, Rakesh, so far they played really well. I think Bopanna playing the deuce court and going for the aggressive, you know, particularly with Leander, like Bopanna is an aggressive and at court he always had the disadvantage of not going for his aggression. So Bopanna playing the deuce court has helped Balaji in Indian side. Again, another big serve there from Balaji, 207 up the tee, a clean ace there. एक एस 194 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जमाई हुई है इसके साथ गेम भारतीय जोड़ी ने जीता. देखिएगा कोई मौका नहीं था सटीक सर्विस. द उज़्बेक प्लेयर्स जस्ट सीम अ लिटिल लॉस्ट एस्पेशली व्हेन इट कम्स टू पोजीशनिंग इन द नेट एंड हु वांट्स टू टेक द बॉल इन द सेंटर. दे आर नॉट वेरी श्योर. या पर्टिकुलरली ऑन दैट I think in the first set you're right, because in one of the movement Faizev unnecessarily pushed in and that made Dostov lose that balance. Aur yahan pe dekhiyega ek bar dipping shot Yugal khel mein vishesh kar ye jo shot hoti hai behtareen ek weapon sabit hoti hai. Fir wahi bahar ki shot. That's an excellent point from both the teams there. Rakesh, do you think Sanjeev is still feeling the heat from yesterday's match? He doesn't seem to be serving as big as he was yesterday. Certainly, definitely. And the moment he lost that serve in the first set, he lost all that confidence, whatever little confidence he had. But it was a big thing for somebody like him at the age of 22 to be carrying that kind of disease and coming and playing all 3 days. Courageous for him. Absolutely. And the worst form of asthma is that you almost go in for a cardiac arrest at times. So I think you need to
really go and go for that checkup. That's a good volley there from Sanjeev. Balaji trying to cut it off. So Faizeh और मंत्रणा करते हुए आजकल विशेषकर आजकल के युगल कैच की ये खासियत है कि हर अंक के बाद एक मंत्रणा स्ट्रेटजी एक दूसरे की खेल का सराहना. और ये डबल फॉल्ट इस बात का संकेत कि कितना है निराश हैं, कितने डाउन हो गए हैं फैजे. वे देखिएगा डबल फॉल्ट साथ बराबरी पर है ये गेम, किंतु इसी स्थिति में जबकि पहले सेट में फैजे अपनी सर्विस भंग करा चुके थे. Little unlucky there, Ron, just getting caught there, trying to run around and dip the ball at Sanjeev's feet. Just a trifle unlucky catching the top of the net there. And another nice thing that I'm seeing of Rohan is he's just not trying to take big cuts at the ball. He's trying to kind of put the ball down, forcing the opponent to come up with a good volley. I think that's a pretty good strategy there. Otherwise, usually what I've seen of him is he likes to go for those, when he has the time, he likes to go for this big returns and stuff. So I think probably he's changed up his game a little bit and trying to dip the ball and set himself up for the next one. Kept the ball in play. Faizeh did well. Aur he must be mighty pleased aur kafi badi rahat ki saans lenge. Dekhiye yahan kis prakar se gend ko khel mein rakha, jame rahe. तैयार थे नेट पे, कोई जल्दी नहीं और विशेषकर प्रेशर बना के और बड़ी राहत की सांस ली वहां पे संजय ने. तो भारत 2-0 से इस टाइम में आगे है, एक सेट जीत ले गया है. बड़ी अच्छी गिरफ्त, अच्छी मजबूत स्थिति भारत की इस दूसरे दौर का एशिया ओशियाना ग्रुप वन डेविस कप टाई. There's Sanjeev forcing an error from Balaji. I think you have to be careful here. Not to let your guard down, you're controlling the match. You just need to keep your focus and stay calm and get the job done. That's a pretty smart serve from Rohan there, taking some speed off the ball and serving into the body of Sanjeev there. He was in all sorts of trouble there. And for someone who's playing for the first time together, Rohan and Sriram Balaji, I think they've come so far, they've combined really, really well. Yakinan, Kaptan, Mahesh Bhupathi, whatever he has decided, I think he must be very pleased because whatever he has planned, he has executed to the T. Absolutely, absolutely. And Visheshkar, is yugal mein unke paas choice thi ki jab Yuki Bhamri chotgrast hoke bahar aa gaye the, to wo lender ya Bopanna dono ko khila sakte the. Aur unka ye nirna tha ki Bopanna kyunki zyada tez services dal rahe hain. तो उन्होंने बोपन्ना को खिलाना बेहतर समझा और अभी तक महेश का निर्णय ठीक साबित हुआ है. हालांकि लैंडर भी इस मैच में काफ़ी मजबूत होते, बिकॉज लैंडर की जो एक्सपीरियंस है, यू कांट बीट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस. सो बोथ वी हैव टू एटलीस्ट वेरी गुड डबल प्लेयर टू बोस्ट ऑफ राइट नाउ. अगेन नाइस डीप वॉली फ्रॉम रोहन देयर, फोर्सिंग द एरर ऑफ संजीव देयर. अ कंफर्ट अनदर कंफर्टेबल होल्ड फॉर द इंडियंस to go 3-2 up. Rohan Bopanna wo dekh rahe hain yahan kafi tadad mein maujood hain. Ab tak ye set to services pe raha hai.
फॉर्ट गुस्तोव के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। 0-2 से पीछे उज्बेकिस्तान पहला सेट हार गए हैं और गुस्तोव जो कि एक मेन स्टे रहे हैं काफ़ी टाइम तक इस्तोमिन के साथ, और यहाँ पे इस्तोमिन के नहीं रहने की वजह से उनको पर काफ़ी असर है। उनकी यही चेष्टा है कि किसी प्रकार से ये मैच किसी तरह से जिताएं और टाई में बने रहें। Good look at that second serve there, Balaji. Just kind of pulled away from the ball, did not go through with it. Ended up playing it a little high, and Sanjay did pretty well to draw the error from Balaji there on the following shot. Big serve from Dustov, 187 up the tee row, and had no chance there. And the court is definitely truly playing very fast. There's new technology which has come to India. I think it's a good technology approved by ITF, and the courts are playing really fast. That's just a massive return from Balaji there. He just saw the ball early. Great footwork. Moving forward and through the shot, excellent return of serve there from Balaji. Tremendous of a serve, which was pretty quick, 197. So इस प्रकार की तेज सर्विस की पूरी स्पीड का भरपूर फायदा उठाया है, महत्वपूर्ण अंक। One of the most tiring shots to play in tennis. The overhead, but I think the height which Gustav has, and that the balance you have to keep on those overheads. Yeah, and it was a very good first volley there from Gustav, and Rohan did pretty well to get the return back. It was a pretty good volley, deep, catching Balaji off balance there. Another crucial hole there for Uzbekistan to level the scores at 3-3 in the second set, which is a must-win set for them. I mean, especially in doubles like this, where Dustov had a clear look on Balaji's serve, you need to make the opponent play. The first ball is always huge and critical. You have to make the return, at least give yourself a chance and try and see what the opponent can come up with. Particularly on the hard court, it has happened quite a few times where the ball has really shot up after falling on the court. Balaji had that difficulty, and here we see Pfizer facing that difficulty. That's broken. Balaji so broke amount strings. Of tension you have to keep on those. You're talking about the string tension? String tension. Yeah, it's very interesting. These days, even if you look at players like Roger or Rafa, all these guys, they don't play with tension above 50, so which is very interesting. That's really interesting. That was a sitter. That's a pretty good exchange at the net there. Indians look pretty solid, and Balaji got the ball where he wanted. Probably rushed a little bit. Yes, that's 208 kilometer an hour speed, 208 kilometer prati ghante ki raftar ki dali hui service. Koi mauka nahi is prakar ke service ka ki kahin se bhi. And Rakesh is changing up the location very well. If you look at the previous serve he hit Faizev, it was up the tee,
swinging away from him, and this one was hard and wide. Again, if you look at the way Indians are playing, they know where they are in the court. Their positioning is excellent in the court, and they're controlling the point after the first ball, be it a return or be it the serve. They're looking to be aggressive, and the team who's more active rather than passive. That's a good thing to have. And also, Balaji has done pretty well in the last 2-3 months, both on the Futures Tour, and he's done reasonably well in the Challengers Tour. That also might have given him a lot of confidence coming into this match. Excellent first point there. Challenger here in Bangalore. He lost to Ganeshwar in Bhilai and in Trivandrum. But the Bangalore challenger, he beat Ganeshwar. And these boys are very hardworking. Prajnesh, Balaji, all these guys, they work extremely hard. And they deserve the break that they've got. They deserve the break they got, although slightly late at the age of 27, but never too late, as they say. And again, we say that the system now has to come in and support these youngsters who are doing so well in challengers. You know, that kind of support, that kind of is required for them to at least go to and play those 250 tournament, at least graduate that to that level. Again, there he took pace off. Look at how high the ball jumps here in Bangalore. There's a short kick serve. I mean, that just literally got about Rohan's shoulder level, and it's very difficult to come over that ball here in Bangalore. It's tough. You need to sometimes use that altitude which plays the trick. Yeah, absolutely. And you need to sometimes use the chip return, because if you're not close enough to the ball, it's tough to come over it, especially with single hand. Rohan Bopanna staying back this time. The mark of a strategy, because इस प्रकार की strategy, जबकि आप पीछे रह जाते हैं दूसरी सर्विस में, विरोधी खिलाड़ी को देखिए कि पीछे थे रोहन बोपन्ना और विचलित कर देती है कि कहां आप गेंद मारें। फैजेव उस strategy के शिकार बने, किंतु अभी भी दो game point उज़्बेकिस्तान के पक्ष में हैं। Again, change up from the previous serve. Rohan looking for the ball on his backhand. He was a little surprised when it came to his forehand. So he was caught a little napping there. Rakesh, probably I said it a little too soon. I was saying Rohan is like playing a little bit smart there, just coming over the ball, rolling. Somewhere, I think Rohan Bopanna goes for his shots. His drives are too powerful. But somewhere, I think, got blocked, which likes of Leander or Mahesh needs to do. I think that kind of blocking, if Rohan can slightly divert in the repertoire, I think possibly, I think that could be it. It's a little different, because the way Rohan plays, he likes to go for it, and the way he's played all these years, it's going to be a little difficult to make that change at this stage in his career. A massive second serve out wide, 172. Clean ace. 172 kilometer prati ghante ki raftar ki Rohan Bopanna ki service. Asamanjas mein dal rahi hai the stop ko. Aap to bahut behtareen khel. Dekhiyega Rohan Bopanna, jo ki aaj yahan pe सीनियर प्लेयर की भूमिका निभा रहे हैं, किस प्रकार से देखिएगा स्पीड चेंज की, ड्रॉप किया था, कोई मौका नहीं था, आप
और नो, कोई मौका नहीं था उधर फायदे के पास. एक और अंक भारत के पक्ष में, 199 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के सर्विस के साथ 3 सीधे गेम पॉइंट भारत. That's another very, very good service game from Rohan there. 3 aces and a very good volley, drop volley there to put India ahead 5-4 in the second set of this crucial doubles tie against Uzbekistan. It's going to be crucial for him to get the first ball in, otherwise they're going to be under a lot of pressure. That was a good first point from the Indians, not trying to do too much, forcing Sanjeev and Dustov to come up with the goods, and they were a little too passive with their volleys and ended up paying the price there. And it's that weak volley of Fayzev which put Dustov into trouble. 183 kilometer an hour is speed serve, but difficult to handle these kind of serves. 15 all. Dustov under huge pressure. Debutant, 72nd player making his debut for India. And Rohan Bopanna here. Oh, footfall call there. First time this match jahan pe linesman ne foot fault karar diya hai. Aur Saket Menini ko foot fault kiya tha Rohan Nadal ke match mein, aur wahan se woh puri apna hausla haar baithe the Delhi mein jo match chala tha. Aur us baar uske baad unhone us taraf se service karna hi band kar diya tha. Yeah, sometimes it plays on your head because you try to probably adjust your stance a little bit or probably take a couple of inches. You probably would want to stand a couple of inches back. That throws off your rhythm. So it'll be interesting how Dustov handles this. Good opportunity here for Balaji. He's going to get a look at Dustov's second serve. और ये डबल फॉल्ट डेफिनेटली जो 15 बराबर पे फुट फॉल्ट दिया गया था और दो डबल फॉल्ट एक के बाद एक और भारत सेट पॉइंट की स्थिति में. इस बार टक किया, एक प्रकार से बाउंसर आ गया था और यहां पे सेट पॉइंट है दूसरे सेट का भारत के पक्ष में. Excellent, smart tennis from Rohan, not trying to do too much, just keeping the ball going, playing high percentage tennis, forcing the error from the Uzbekistan players there. Excellent, very well done from Rohan there. Rakesh, again, as we were talking early on, in this entire game, I don't think Dustov made one first serve, so he paid the price for it. The serve thi, dusri serve thi, Dustov ki, aur jis prakar se pressure banaya rakha tha, Dustov दो डबल फॉल्ट और उसके बाद इस प्रकार के प्रेशर में आए और ये दूसरा सेट भी भारत के पक्ष में.
Rakesh, looking at the way the set has panned out, I don't know how Uzbekistan players will manage in the third set. I mean, Indians have been all over them. It's going to be a difficult task from here on for the Uzbekistan players. It's a pretty nice way to start from Balaji. Big serve up the tee. Welcome back into the commentary box, Siddiqui. Srinath, as you have seen, that Bharat has already won two sets. India has already taken a 2-0 lead. In other words, if India wins this third set also, it is going to be a clean sweep. And what will you say, because Leander Paes is not playing in the reverse this time after 27 years of gap. And it means, you see, Mahesh Bhupathi not playing captain in his debut has proved correct, I think. Absolutely. I think he's made all the right decision and he's not hesitated. Very good serve there from Balaji, going into the body of Sanjeev. Just tremendous hands at the net from Rohan there. He made it look very, very easy. Definitely not what it looks like out there on the TV screen there. Excellent hands from Rohan there. And Siddiqui, I noticed something with the Uzbekistani players. They've switched positions. Early on, Dusto was playing from the forehand side and Sanjeev was returning from the backhand side. Now they've switched places. Why have they done so? Unhone aisa kyun kiya hai? What is the reason? Can you tell me as a player? It's very interesting. Probably they're not feeling very comfortable, so they want to see if it's going to make a difference. But I don't think so. It is going to make any more difference because India is already leading by 2-1 and one up in the you see another set number 3. Again, a very, very smart play from Rohan there. Not trying to do too much with the ball. A good first ball in, following up with a ripping forehand there. بہترین فور ہینڈ شاٹ تھا نیٹ کے اوپر آ کے انہوں نے بالکل تقریباً پوزیشن لے کے اچھا فٹ ورک اچھا ایکشن روہن بوپنا کا اگین وین لک ایٹ دی پریویس والی فرام سنجیو دیئر صدیقی دیئر واز نو فٹ موومنٹ ایٹ آل اٹ شوز دیٹ ہی از ناٹ فیلنگ ویل ایون ٹوڈے آئی تھنک دیٹ از پرابلم یسٹرڈے آلسو ہی واز ہیونگ سم پرابلم ان ہز لیگ And because of his heart problem, you know, he is suffering with the Probably. Both the Uzbek players at the net have been found wanting with their footwork. Oh. It was just a very good effort on the backhand side. It was almost near the net. It had taken the point. He tried very well, Srinath. Yeah, absolutely. It was great effort from Balaji to get the ball back into play there. It was just made, I think. It was just 15 all. India is leading 1-0 in set number 3. India has already taken, you see, two sets in this rubber number 3. And yesterday, India had already won two singles. India is leading 2-0 as far as the rubber score is concerned. Just out. Very well. Good effort by Rohan Bopanna. Experienced player, 37 years old player. He's playing for the first time with this young player, Sriram Balaji. Very good understanding. First time they are playing, but they are proving a good doubles partner. What will you say? The Leander Paes is not playing. The young player is playing with Rohan Bopanna, and they are doing very well. Yeah, it was an interesting choice from Mahesh. And a gutsy 1-2. And whatever choice he's made so far, the boys have delivered the goods. Acha point liya unhone prashansa karni hogi us baat ki aur bharat ke dono khiladi bahut hi acche khelte prashansa dikhate hain ye service thodi si tez thi ek bahut zyada tez thi 162 km per hour ki speed se lekin ball paar gayi 40 30 ke upar
सर्विस होल्ड करने के लिए मैं समझता हूं कि पूरा प्रयास करेंगे ये उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये जो हैं दो सेट हार चुके हैं, उनके लिए बहुत क्रूशल है अगर वो टाई के अंदर रहना चाहते हैं, उनको ये रबर जो है जीतनी पड़ेगी। ब्यूटीफुल शॉट, ब्यूटीफुल लाइक अ टेबल टेनिस शॉट, क्लिक शॉट, बैकहैंड, वेरी वेल कैलकुलेशन, वेरी गुड एंटिसिपेशन, वंडरफुल एंटिसिपेशन, परफेक्ट शॉट। Rohan Bopanna came very close to the net and hit like a table tennis or badminton shot. What will you say, Srinath, about this beautiful backhand shot? Yeah, there was a very good drive volley there, but it was a little surprising from Dusto to let that ball go. Probably he thought the ball was going out. And it caused Sanjay a little napping. Another opportunity for Indians to go up 2-love in the third set. Advantage for India, another golden opportunity to break the service opponent. Service of his opponent. If India takes this game, India will be leading 2-0 in game set number 3. First service fault. Advantage India. Ah, beautiful, wonderful, very good backhand return by Balaji. I'll say he is doing very well. Again, wonderful. What will you say, Srinath, about this again, game? Again, Siddiqui, I'm sure Faizev is feeling from yesterday's illness, because he was not anywhere close to the ball. He was just reaching out for it. He's definitely struggling physically. It was a pretty simple volley at this level. You got to make those balls in the court. This puts India in the driver's seat, up 2 sets to love, and a break in the third. Yes, you are right. Anyway, I was just saying that was a very good return by, you see, our player, you know, Balaji. It was a wonderful backhand return, and definitely, you see, Uzbekistan player could not move, but the point was taken very nicely. It was a good return, at least, from the young boy. Yeah, absolutely. Important is to make balls. Again, a big first serve there from Rohan, 218. Risto struggling there. Couldn't control the racket head. शून्य के ऊपर सर्विस करने के लिए तैयार रोहन बोपन्ना, 2-0 की बढ़त ले चुका है। बेहतरीन सर्विस, 191 किलोमीटर पर आवर, वंडरफुल। ही इज फेमस फॉर हिज फास्ट सर्विस फॉर एसेस। गेम पॉइंट, अनदर गेम पॉइंट फॉर इंडिया। यू कैन सी 191 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ द सर्विस रोहन बोपन्ना। इंडिया लीड्स 3-0 इफ यू टेक दिस पॉइंट। इट वाज जस्ट आउट, इट वाज जस्ट आउट 1 किलोमीटर। You say, Srinath, about the first service of Rohan Bopanna, as he is famous for his first service. He's an experienced player and very good server. There's no doubt about that. I mean, he's always been a big server, and he hits the spot. Even though you know the ball is coming there, it's very difficult to pick it up. And Siddiqui, if you look at the way the match has gone so far, the Indians have controlled from point one. They've been all over Uzbekistani players, and they've literally dominated and overpowered them so far, and they've had no chance. So anyway, as a captain, we will say that he took a right decision, a positive man. Absolutely, absolutely. You cannot question the decision Mahesh has taken, considering now the boys have delivered the goods. And also, you cannot take anything away from Leander. He's been a legend of Indian tennis, and probably one of the best doubles players in the game. Yes, I agree with you. One of the best Davis Cup player from India, I will say, 43 years old, and he was playing for the last 27 years, and he was really doing very well. But all of a sudden, yesterday, it was a surprise for Team India when he was really not included in the team, because the first time who has taken the captainship for India, Mahesh Bhupathi, he took some new boy, Balaji, in place of Rohan Bopanna, and they are already doing very well. And you can see in doubles, India is leading 2-0 as far as the set is concerned, and as far as the games are concerned, 3-0 they are leading, which shows that Mahesh Bhupathi, as a player, took a right decision. He did very well, though definitely the fans were not happy with that decision. Again, Siddiqui, if you look at the way Rohan has handled this match and the way he's gone about with his returns, he's not tried to do anything too much. He's kept it simple, not trying to overpower the returns, making them play, and he's paid rich dividends so far in the match.
Yes, you are right, Srinath. As far as the result is concerned, we can say that Mahesh Bhupathi was correct. He took the right decision for his team, and team is really proving very well. They have already won two singles yesterday, and if they win this, then India makes a clean sweep against Uzbekistan. It means he took the right decision. But the mission of Leander Paes was definitely a surprise for all Indian fans and all the whole world also. Even for the Uzbek team also, they were surprised. In the meanwhile, you can see a good, very good time. It was just taken on the knee. बहुत ही अच्छी है, जैसे कहूँगा कि सर्विस कर रहे हैं दोनों ही टीम के प्लेयर जो है, स्पेशली रोहन बोपन्ना जो हैं वो काफ़ी फास्ट सर्विस करते हैं। एक और अच्छी सर्विस, बहुत तेज़ सर्विस और बहुत ही बढ़िया रिटर्न, एक ही ऊँचा लॉब। मैं समझता हूँ कि बहुत आसान था इसको लेने के लिए, कोशिश करी लेकिन ये बाहर गया ये पॉइंट, और एक और भारत के लिए बेहतरीन पॉइंट। और बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली काफ़ी देर के बाद, यहाँ पे दर्शक मौजूद जो हैं वो आनंद लेते हुए इसका बेहतरीन टेनिस का क्वालिटी टेनिस। यू कैन सी दिस सर्व अनदर रिटर्न नेट के ऊपर लिया और एक ये लॉब उन्होंने ऊंचा दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा तरीके से ये पॉइंट जो है भारत ने जो है ये लिया। और मैं कहूंगा कि ये टीम जो है भारत की नए खिलाड़ी के साथ रोहन बोपन्ना पहली बार खेल रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया। और इस पहली सर्विस फॉल्ट और इसी 15-30 के ऊपर सर्विस करने के लिए तैयार उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी, सर्विस करने के लिए तैयार बैक हैंड कोर्ट से। पहली सर्विस सिंपल सर्विस रिटर्न आउट, थोड़ा सा बॉल जो है थोड़ा लॉक किया था उन्होंने कोशिश, लेकिन ये बॉल बाहर गई। और बहुत ही आसान मैं समझता हूँ कि सिंपल रिटर्न हो सकता था, ये 30-30 की बराबरी 30-all। भारत जो है ऑलरेडी दो सेट जीत चुका है और तीसरे सेट के अंदर 30-0 की बढ़त है। अगर भारत जो है ये डबल्स जो है वो जीतती है तो 3-0 से जीत के जो है 3-0 से क्लीन स्वीप हो जाएगी इंडिया के लिए। 30-30 के ऊपर सर्विस, पहले सर्विस फॉल्ट, चेयर अंपायर का इशारा। कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन के ऊपर इस वक्त बेहतरीन जो है मैं समझता हूँ एटमॉस्फियर है, बहुत ही खुशगवार मौसम है। तो दर्शक भी जो आज जो है सैटरडे में छुट्टी की वजह से जो है काफ़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं और उस खेल के का पूरा पूरा आनंद ले रहे हैं। दे आर एंजॉइंग द क्वालिटी ऑफ द टेनिस दिस टाइम बींग प्लेड हेयर एट कर्नाटक स्टेट लॉन टेनिस एसोसिएशन बेंगलुरु कर्नाटका। 30-30 की बराबरी 30-all। भारत जो है वो इस डबल्स के अंदर रबर नंबर 3 के अंदर जो है 2-0 से बढ़त लिए हुए है और 3-0 से गेम की बढ़त लिए हुए, 30-30 के ऊपर सर्विस करने के लिए तैयार। बेहतरीन फोरहैंड रिटर्न रोहन बोपन्ना का, प्रशंसा करनी होगी, बहुत ही कैलकुलेटेड शॉट कोने के ऊपर मार के पॉइंट लिया। आप देखें बेहतरीन रिकॉर्ड, नेट पर आए और बहुत जगह खाली थी वहाँ पर लिया, पॉइंट बनाया रोहन बोपन्ना ने। बहुत ही एक्सपीरियंस तजर्बेकार खिलाड़ी और आसानी से ये पॉइंट लिया, आप देख सकते हैं नेट के ऊपर बॉल बाहर गई और ये पॉइंट मिला भारत को। इसी प्रकार से रोहन बोपन्ना क्योंकि अच्छे तजर्बेकार खिलाड़ी हैं और डबल्स के जाने माने खिलाड़ी हैं, उनकी रैंकिंग भी दुनिया के अंदर 24वीं है इस वक्त, 37 वर्षीय खिलाड़ी, एडवांटेज है इस वक्त डबल्स में उनके। बेहतरीन नेट के ऊपर आके पहले से पोजीशन ली और ये पॉइंट प्राप्त किया उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी फैजीव ने। ये लूज बॉल थी थोड़ी सी, नेट पे पहले से खड़े हुए थे उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी और यहाँ पे आसानी से उन्होंने दोनों खिलाड़ियों के बीच में मार के पॉइंट को लिया। डबल्स के अंदर यही देखना होता है कि बॉल को कहाँ प्लेस करना है या कहाँ हिट करना है। 40-40 ड्यूस नंबर 1 ऑफ दिस गेम नंबर 4 सेट नंबर 3 पहली सर्विस फॉल्ट। चालीस की बराबरी, सर्विस के लिए तैयार उज़्बेकिस्तान खिलाड़ी। अच्छा रिटर्न रोहन बोपन्ना का, कैलकुलेटेड शॉट, बहुत ही फोर हैंड शॉट उन्होंने वहाँ के पॉइंट लिया, जगह खाली थी बिल्कुल, आप देख सकते हैं बहुत ही कैलकुलेटेड शॉट, अपनी जगह से हिल ही नहीं पाया उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी और ये पॉइंट लिया भारत को। एक और बड़ा एडवांटेज भारत के लिए सर्विस ब्रेक करने के लिए। मैं समझता हूँ कि अगर ये सर्विस ब्रेक करने में सफल होते हैं भारत के कि डबल्स की जोड़ी तो ये एक और उनको एडवांटेज होगा और 4-0 की बढ़त हो जाएगी, प्रेशर होगा फिर उज़्बेकिस्तान की टीम के ऊपर। सर्विस के लिए तैयार, पहली सर्विस फॉल्ट उज़्बेकिस्तान के खिलाड़ी की। थोड़े से वो जो हैं टेंस नज़र आ रहे हैं, थोड़े स्लो हैं उनके अंदर, उतने वो इंथोजियाज़म नज़र नहीं आ रहा है जो शुरू में था उनके गेम में। बेहतरीन बैक हैंड शॉट, कैलकुलेटेड, आई विल से वंडरफुल बेस्ट शॉट ऑफ द गेम टुडे।
बहुत ही बढ़िया बैकहैंड शॉट, क्या बोले डबल हैंडेड शॉट, बिल्कुल इतनी कम जगह में ड्रॉप शॉट उन्होंने करके बहुत लिया है, परफेक्ट शॉट ये उभरते हुए खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन बैकहैंड शॉट। ये देखिए क्या कैलकुलेशन है, क्या फुटवर्क है, एक तरीके से टॉस दिया चकाया, बहुत ही बेहतरीन टेनिस की लैंग्वेज में कहा जाता है परफेक्ट बैकहैंड डबल हैंडेड शॉट बाई बालाजी, वंडरफुल शॉट, जितनी तारीफ की जाए प्रशंसा की जाए वो कम है मैं समझता हूँ। बेहतरीन सर्विस, वंडरफुल, दो द स्पीड वॉज नॉट टू मच, ओनली 166 किलोमीटर पर आवर, बट इट वॉज ब्यूटिफुली प्लेस, ब्यूटिफुली सर्व, ए सर्विस, बहुत ही बेहतरीन सर्विस बालाजी की, समय लेते हुए सर्विस करने के लिए तैयार बालाजी, पहली सर्विस फॉल्ट, डेविस कप में पहली बार खेल रहे हैं डबल्स के अंदर, लेकिन बहुत ही अच्छा खेल के प्रदर्शन उन्होंने अब तक दिखाया है, 15-0 की बढ़त, और स्पिन सर्विस, अकेले की सर्विस की स्पीड ज़्यादा नहीं थी, 146 किलोमीटर की स्पीड थी, लेकिन साइड स्पिन टॉप स्पिन सर्विस थी तो उनके अपोनेंट समझ नहीं पाए, बॉल बाहर चली गई इसी वजह से, बहुत ही इंटेलिजेंट सर्विस, बहुत ही कैलकुलेटेड सर्विस, यही होती है एक अच्छे खिलाड़ी की ब्यूटी, तारीफ करनी होगी उनकी सर्विस के लिए। एक और ये सर्विस, सेकंड एज वंडरफुल, कैलकुलेशन देखिए क्या उनकी आई साइड और कोऑर्डिनेशन है, हाथ का फुटवर्क का किस जगह प्रेस करी उन्होंने, बेहतरीन सर्विस, दोनों खिलाड़ी खड़े के खड़े देखते रह गए, समझ में नहीं आया बॉल कहां से निकल गई, गोली की तरह से, बेहतरीन सर्विस, एक और बेहतरीन सर्विस, हैट्रिक ऑफ द गुड सर्विसेज, हैट्रिक ऑफ द एसेस, वंडरफुल सर्विस, गॉड ए क्लास ऑफ टेनिस प्लेयर सीइंग, वंडरफुल टेनिस प्लेयर, almost the tie in the hand of, I will say, in the hands of these players, young player. Bharat jo hai 5-0 ki badhat liye hue hai aur ye do set pehle jeet chuki hai, ek aur behtareen point Bharat ke field ke andar aata hua, jitni prashansa ki jaye wo kam hai, bahut hi badhiya tennis yahan par isko dekhne ko mil rahi hai, darshak yahan par maujood, 6000 ki capacity hai is stadium ki, ideally situated stadium in Bengaluru, Karnataka state lawn tennis association, पहली सर्विस फॉल्ट, लव 15, जस्ट आउट, वेरी गुड प्लेस शॉट बाय, प्लेसिंग शॉट बाय द उज़्बेकिस्तान, 15 ऑल, 15-15 की बराबरी, नथिंग हैज हैपेंड, नो प्रॉब्लम फॉर इंडियन प्लेयर्स, इंडिया इज ऑलरेडी लीडिंग 5-0 एंड टू सेट्स अप 2-0 और फर्स्ट सर्व फॉल्ट, 15 ऑल, 5-0 लीड एंड 2-0 लीड, रियली प्रेशर इज ऑन उज़्बेकिस्तान, और ब्यूटीफुल बैक एंड शॉट, परफेक्ट शॉट ऑन द लाइन, डॉट ऑन द लाइन, ब्यूटीफुल शॉट, परफेक्ट फुटवर्क, एक्शन, कैलकुलेशन, एंटिसिपेशन इन द कॉफी बुक शॉट, यू कैन सी व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टाइलिश बैक एंड शॉट बाय रोहन बोपन्ना, वंडरफुल बैक एंड शॉट, excellent doubles player, he just tried to hit a lower shot, catchy all, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कोई नुकसान नहीं हुआ है भारतीय खिलाड़ियों के लिए, थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलना चाहिए था, थोड़ा बॉल लो रह गई, उसको अपने एल्बो को थोड़ा सा कोनी को लिफ्ट कर दिए तो बॉल बिल्कुल नेट से बाहर चली जाती, बट नथिंग इज नो डैमेज इज डन, ब्यूटीफुल शॉट, वंडरफुल टेनिस, वर्ल्ड क्लास अगेन, ये रोहन बोपन्ना इज आस्किंग द क्राउड टू लाउड फॉर हिम, एंड यू सी कैन सी द पेरेंट्स हैव कम विद द किड्स, ब्यूटीफुल टेनिस इज सीन हियर, वर्ल्ड क्लास टेनिस, ब्यूटीफुल डबल्स क्वालिटी ऑफ द गेम इज सीन हियर, आई विल से व्हाट अ कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर इंडिया, मैच पॉइंट फॉर इंडिया, टाई पॉइंट फॉर इंडिया, क्लीन स्वीप फॉर इंडिया, no, he just tried to hit it, he couldn't move from inside, he had to move a little bit 2 yards away, anyway still 40 all, 40-40 ki barabari, bharat ke liye golden opportunity, sunehra avsar main kahunga, clean sweep karne ke liye, pehli service net, 5-0 की बढ़त जहाँ तक गेम की बात है, और 2-0 की बढ़त जहाँ तक सेट की बात है, और जहाँ तक रबर की बात है वो भी 2-0 से भारत ऑलरेडी कल जो है वो जीत चुका है, बिल्कुल जीत की कगार के ऊपर, ब्यूटीफुल सर, 188 किलोमीटर स्पीड,
Rohan Bopanna was not able to really judge the speed and the angle of the ball. You can see he just tried to hit the ball. It was out, few yards out. Advantage to Uzbekistan. Beautiful service. Fast game for this set. Abhi Kuchh fast game. राकेश शर्मा, व्हाट विल यू से, आप क्या कहेंगे इस जो भारत की नई जोड़ी रोहन बोपन्ना के साथ खेल रही है? काफ़ी अच्छा खेल कर प्रदर्शन दिखाया, मैं समझता हूँ यकीनन, और रोहन बोपन्ना की यहाँ तारीफ करनी होगी कि चाइनीज टाइपे के विरुद्ध उन्होंने साकेत मैनिनी को जिस प्रकार से सपोर्ट दिया था और यहाँ पर श्रीराम बालाजी को, रोहन बोपन्ना ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई आज भारत के लिए। और उधर यहाँ पर श्रीराम बालाजी की तारीफ करनी होगी। पूरे मैच में ये लग रहा था कि जब पहला सेट शुरू हुआ कि बालाजी और फैजे में से पहले कौन ब्रेक करेगा, किंतु जिस प्रकार से बोपन्ना ने हौसला बढ़ाया है बालाजी का, उसकी तारीफ करनी होगी। और ये आपको सारी जो बॉडी लैंग्वेज है लेबेद की बताती हुई कि उज्बेकिस्तान जो एक भी मैच यहाँ पर अभी तक नहीं जीता है, तो लेबेद कितने हतोत्साहित यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और फैजे कल सिंगल्स मैच हारे और यहाँ डबल्स मैच में भी आज हार की कागार पर। दो सीधे अंकों की बढ़त, बोपन्ना की सर्विस का कोई मुकाबला नहीं और केवल दो अंकों का फासला भारत और विजय के दरमियान। और डाउन द मिडल, बूम बूम बोपन्ना, 40-0 चौथा मैच पॉइंट। और इस बार अपनी सर्विस पे तीन सीधे मैच पॉइंट बोपन्ना के पास। भाईदेव शान, और यहां भारत एक बार फिर चौथी बार लगातार वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ स्टेज पे पहुंचता हुआ, और ये विक्ट्री भारत के लिए। तो महेश भूपति जी की गा किस प्रकार से खुश नजर आ रहे हैं, वहां तिरंगा पहुंच चुका है और 6-1 के तीसरे सेट के स्कोर में जीतकर कप्तान महेश भूपति की कप्तानी में भारत डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ में एक बार फिर अपना स्थान बना चुका है। श्रीराम बालाजी, रोहन बोपन्ना, और यकीनन रोहन बोपन्ना इज प्लेइंग द ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन। 6-2, 6-4, 6-1 के स्कोर पर 27 मिनट, 32 मिनट और 24 मिनट के खेल के पश्चात भारतीय जोड़ी ने फरुख दोस्तोव और संजार फैजदेव को 3 सीधों सेटों में परास्त करके भारत को वर्ल्ड ग्रुप प्ले ऑफ स्टेज पे एक बार फिर पहुंचा दिया। कुछ ओवरहेड जरूर दोस्तोव ने अच्छे लगाए हैं, पर हर तरीके से, हर प्रकार से भारतीय खिलाड़ियों ने काफी असमंजस में डाला है यहाँ पे उज्बेकिस्तान के खिलाड़ियों को सर्विसेज, और ये जिस तरह से पास किए हैं, और रोहन बोपन्ना यकीनन जिस प्रकार से पैब्लो कुएवास के साथ जब से खेल रहे शुरू उन्होंने किया है सर्किट पे, उनका जो फोरहैंड कोर्ट पे, ड्यूस कोर्ट पे वे खेल रहे हैं उसके वे सिद्धस्त हो गए हैं। बोपन्ना जो पहले एट कोर्ट से खेलते थे, अब यहाँ पर ड्यूस कोर्ट पे उन्होंने खेलना शुरू किया है और यकीनन उनको ये जो चेंज उन्होंने किया उसका पूरा फायदा मिला है। दूसरी ओर यहाँ पर कुल मिलाकर बालाजी की भी सर्विसेज काफ़ी अच्छी रही और पहले सेट के बाद जो उनका उत्साह बढ़ा, जिस प्रकार से इतने बढ़िया खेल उन्होंने दिखाया पहले सेट के मुकाबले, कोई मौका नहीं था। फैजदेव जो कल अपना एकल मैच हारे थे, यहाँ पर शुरू से ही एक वीक लिंक थे और उस वीक लिंक को भारतीय जोड़ी ने पूरा पकड़ के पूरा फायदा उठाया। यहाँ पे देखिएगा, खेल को खेल में बनाए रखा। वेल लेफ्ट बाहर जाने दिया, एक बार फिर और ऊंचा, और ये जो कोर्ट जिस प्रकार से देखिएगा उछाल लिया है। रामकुमार रामनाथन तीसरी बार लगातार अपना डेविस कप का मैच जीते हैं। एक और बार फिर आप देखिएगा, पूरे मैच में कुल मिलाकर सिद्दीकी साहब
जिस प्रकार से पहले सेट में जहां फायदेव ने अपनी सर्विस हाली, उसके बाद वो अपना पूरा उत्साह खो बैठे थे और भारतीय जोड़ी ने उसका पूरा फायदा उठाया।